स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग्स में। तो आज का जो न्यू व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम है, करीब 9:30 या 10:30 बजे हुए हैं। तो आज सुबह सुबह ही जो मैंने शावर लिया तब मैंने बाल वॉश कर ली। आज है 22 तारीख, 22 जनवरी है। तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि कल रात को मुझे 2:30 बजे तक नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया उठने में। वैसे तो आज सुबह मुझे जल्दी उठना था लेकिन क्या ही करे, कल रात को मुझे अच्छी तरीके से नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। तो बस लेट हो ही गया था तो मैंने बाल वॉश भी साथ के साथ कर लिया क्योंकि आज 22 तारीख है तो हम सबको जाना है मंदिर भी दर्शन करने के लिए। वैसे तो सुबह के टाइम थोड़ा सा सुस्ती होती है, सर्दियाँ चालू तो ऐसा लगता है कि जैसे रजाई में ही बैठे रहे, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं क्योंकि पूरा जो घर का भी काम मुझे करना है। तो इसीलिए फटाफट से फिर 8 बजे में शावर ले ही लिया। इसके बाद जो थोड़ा सा जो खुद के लिए भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ, स्किन केयर रूटीन है वो कर लेती हूँ। तो स्किन केयर रूटीन है वो भी मैंने कर दिया। अभी जो मेरे बाल गीले हैं तो बस ऐसे ही मैंने जो हेयर पट्टी है वो लगा दी है। इसके बाद जो हमारा जो मॉर्निंग का काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बेड है इसको ही मैं बनाती हूँ क्योंकि बेडरूम में जो सबसे पहले जो बेड को ही अच्छा करते हैं तो फिर आधा कमरा ऐसा लगता है कि ठीक हो गया, जैसे कि आप समझ लो पूरा ही देखने में अच्छा लगता है। इसीलिए सबसे पहले जो बेड है, रजाया वगैरह, इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ और अच्छे से बेड को ही सेट कर देती हूँ। तो देखने में जो सुंदर लगता है कमरा, तो यहाँ पर बेडरूम है इसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो अंदर काम निपटा कर आ गई हूँ, बाहर निपटाने के लिए यहाँ पर जो कपड़े हैं मशीन में सुबह ही मैंने डाल दिए थे जबकि मैं अंदर का काम कर रही थी तब। तो ये कपड़े हैं वो भी धुल गए तो इसको भी मैं हाथ के हाथ सुखा दूंगी। तो ऐसे ही सुबह की सुस्ती को दूर करके एनर्जी से जो पूरा घर का काम, बाहर का काम अच्छी तरीके से जो निपटा देती हूँ। इसके बाद पूरा जो किचन है उसका काम भी मुझे अभी करना है। तो कपड़े को सुखाने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। जो मैंने आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर की थी आंवला किडनी की, तो बस 2 दिन हो चुके हैं। तो बस चाशनी में से जो आंवला है इसको मैं निकालने वाली हूँ। तो नीचे की तरफ एक बड़ा पतीला आप रख सकते हैं, इसके ऊपर ऐसी मैंने जाली है वो रख दी है। तो सारी चाशनी मुझे फेंकनी नहीं, इसीलिए मैं इसको बचा कर रखूँगी। इसका हम आंवले का शरबत बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो ये वाले जो आंवला है इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो सारी चाशनी हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, इसका जो शरबत है वो हम बनाएंगे। तो बस पूरी चाशनी नीचे की तरफ जो आ जाए, इसीलिए इस तरीके से जो छलनी वाली आती है वो मैंने प्लेट लगाई हुई है ताकि जो भी चाशनी है वो नीचे की तरफ स्टोर हो जाए। तो उसके बाद एक अलग ट्रे मैंने ले ली, इसके अंदर जो सारे आंवले इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी क्योंकि ये पूरी चाशनी वाली हो चुकी है। तो इसीलिए मैं इसके अंदर जो ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो बस सारे आंवले को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद ये वाला जो पेन है इसी के अंदर मैंने सारी चाशनी है वो रखी हुई है। तो एक बार फिर से मैंने उसी में ट्रांसफ़र किया है क्योंकि अच्छी तरीके से मैं पूरा उसको छान लूँगी ताकि जो भी मोटे मोटे कोई भी रह गया हो तो वो पूरा निकल जाए। लेकिन ये छोटी लग रही थी छलनी, इसीलिए मैंने बड़ी वाली जो छलनी है वो ले ली है। तो सारा जो आंवला है इसको मैंने ऐसे छान लिया है, इसका हम आंवले का शरबत बनाएंगे। तो ये वाली हमारी आंवला कैंडी आधी बन चुकी। इसको 2 या 3 दिन के लिए आपको धूप में चाहे छाव में सुखाना, इसके बाद हम फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर जो आंवले का शरबत है वो हम बनाएंगे। तो चाशनी को हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आंवले का शरबत बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में और भरपूर विटामिन जो सी है वो हमें इसके अंदर से मिलता है। तो बस सिर्फ हमें ये चाशनी है इसको पका लेना है। तो यहाँ पर जो शरबत भी हो चुका है बस गैस को बंद कर देंगे और ये चाशनी है इसको हम ठंडा होने के लिए अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारा आंवले का जो शरबत है वो भी तैयार है। तो बहुत इजी तरीके से बन जाता है, वो ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर खाने की तैयारी वो भी मैंने कर ली, आटा गूंथ लिया, सब्जी को भी मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर जो सब्जी का तड़का है वो दूंगी। एक साइड चावल चढ़ा दी और सारे एक्स्ट्रा बर्तन इसको मैंने साइड में रखे हैं, तड़का दे दूंगी सब्जी का। इसके बाद जो सारे बर्तन इसको मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर दूंगी। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने डाला है राई, जीरा, हल्दी का पाउडर और हरी वाली जो मेथी आती है वो ढेर सारी डाली है। इसके बाद जो कटे हुए टमाटर है वो डाल दिए है, अच्छी तरीके से टमाटर को मिक्स कर लेगी। इसके बाद जो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और जो सारे ड्राई मसाले हैं, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर वो डाल दिया है, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ढककर उसको थोड़ा पका लूँगी। बस टमाटर थोड़े से गल जाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा जो हम बैलेंस करने के लिए चीनी या गुड़ डालेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो गुड़ है वो मैंने डाल दिया है और ढककर उसको अच्छे से फिर से पकने देंगे।
तो टेस्टी वाली जो हमारी सब्जी है वो भी बनकर तैयार है। ऊपर से जो हरा धनिया है वो हम डाल देंगे। तो फिर बस यहाँ पर मेरा खाना है वो भी हो चुका है, सिर्फ हमें रोटी ही बनानी है। तो वो मैं वापस आकर बनाऊंगी। अभी मैं जाऊंगी जो रामलल्ला की आरती है वहाँ पर जाएंगी। तो ये जो सारे बर्तन एक्स्ट्रा वो भी हो चुके हैं, पूरा किचन इसको अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया। और ये चाशनी है इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, वापस आऊँगी इसके बाद हम इसको भर देंगे। तो बस लाइट्स बंद करते और फटाफट से जो साड़ी है वो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि आज आरती में जाना है रामलल्ला की। तो येल्लो कलर की ही साड़ी मैंने पहनी है। तो बस हल्का सा ही लोशन वगैरह लगाया है और आ चुकी हूँ मेरी देवरानी के घर, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहीं पर ही आरती थी, वहाँ पर जो नवरात्रि का चौक है वहीं पर। तो बस हम लोग आरती में भी आ चुके हैं, यहाँ पर आरती करेंगे, इसके बाद फिर से हम घर वापस जाएंगे। तो आरती में से भी वापस आ चुके, सीधा मैंने फिर से जो कपड़े पहने थे वही पहन लिए। और यहाँ पर जो हमारे आंवले का शरबत है वो भी ठंडा हो चुका है। चाशनी ठंडे होने के बाद इतनी गाढ़ी हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसको 1 साल तक स्टोर कर कर रख सकते हो, और जब भी आपका मन करे आंवले का शरबत पीने का तो बस थोड़ा सा जो ये चाशनी है वो डालें और एक्स्ट्रा पानी डालकर आप शरबत बना सकते हैं। तो ये चाशनी मैं बाहर ही रखूंगी, बिल्कुल भी 1 साल तक ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर रोटी है वो भी मैंने बना ली है। तो फटाफट से मैं हाथ चला रही थी, क्योंकि वापस आए तो करीब 1 बज गया। और आने के बाद फटाफट गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई, अभी जो बर्तन है वो वॉश कर रही हूँ, इसके बाद पूरा किचन इसको अच्छे से समेटूंगी, क्लीन करूंगी। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर नीचे बैठ कर ही हम खाना खाते हैं तो इतने में करना ही पड़ता है। और ये वाली मेट है वो भी बिछा दूंगी, क्योंकि अभी जो कपड़े हैं इसको भी मुझे तय लगाना है। तो जो प्रेस करने के कपड़े हैं इसको मैं अलग रख रही हूँ, बाकी फोल्ड करने के जो कपड़े इसको मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी। अभी मैं बिल्कुल भी आराम नहीं करूंगी, क्योंकि करीब 3:15 बज गए और सीधा मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि रामलल्ला की जो यहाँ पर हमारे माधापर गांव में जो रथ यात्रा रैली निकलने वाली है वहाँ पर हम जाने वाले हैं बाइक रैली में। तो फटाफट से मैं साड़ी पहनूंगी, इसके बाद फिर से मैं जाऊँगी। तो सारी जो गर्ल्स है वो भी वहाँ पर बाइक चलाने वाली है, जो स्कूटी चलाने वाली, तो मैं भी स्कूटी लेकर जाने वाली। और शाम के 7 से 8 बजे तक फिर से हमारी कॉलोनी में यहाँ पर आरती है। तो बस फटाफट से जो मेरे हाथ चल रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी हो रही थी। तो यहाँ पर बाइक रैली है वहाँ पर हम जुड़ गए, तो मैंने अपनी एक्टिवा है वो ले ली है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा दिखाने की कोशिश कर रही थी, और मेरी देवरानी मेरे पीछे बैठी थी, बस इस तरीके से पूरे जो ध्वजा है हाथ में ली हुई है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने जो रामलल्ला का स्वागत किया था, पूरे जो हमारा माधापर गांव है वहाँ पर हमने बाइक से जो रैली निकाली थी। तो बस यहाँ पर जो हमने स्टार्ट कर दी है गाड़ी, तो आप देख सकते कितनी सारी ऑडियंस बाहर खड़ी है सारा देखने के लिए। तो मुझे ये बाइक रैली में जाने की इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। यहाँ पर आपको मैं पूरा जो मंदिर है आगे वो भी दिखाऊंगी, पूरा सजा हुआ है। तो बाइक रैली जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहाँ पर वापस आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्कूल है, हाई स्कूल है, वहाँ से ही स्टार्ट की थी। तो बस यहाँ पर पूरी होती है, अब मैं जाऊँगी घर पर, क्योंकि थोड़ी देर के बाद फिर हमारी कॉलोनी में आरती है। तो फटाफट से घर जाऊँगी, थोड़ी खाने की तैयारी करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खिचड़ी भी साइड में मैंने चढ़ा दी। अब जो पूरे घर के अंदर मुझे दिया करना है तो बस वही कर रही हूँ फटाफट से जो मेरे हाथ चल रहे। और आज मेरा खुशी का ठिकाना नहीं, पूरा दिन मेरा इतना अच्छा गया है कि मैं बोल नहीं सकती, कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती, इतना जो अच्छा गया। और आज जो ये तैयार वाले दिए आते हैं वही मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी फटाफट से जाना है। तो ये तैयार वाले दिए मेरे पास थे तो मैंने सोचा यही लगा देती हूँ पूरे घर में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तुलसी मैया है वहाँ पर मैं दिया लगा रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर एंटर से वहाँ पर मैं लगाऊंगी, ऊपर छत पर सारी जगह पर मैं दिया लगा दूंगी।
और इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि पूरा दिवाली वाला माहौल लग रहा था। वैसे तो दिवाली का ही बोल सकते, तो राम भगवान जब घर आए थे तभी हम दिवाली मनाते हैं, तो आज भी ऐसा ही है। तो पूरा जो दिवाली वाला माहौल लग रहा है, पूरे घर के अंदर मैंने दिया है वो लगाना स्टार्ट किया। तो नीचे की तरफ सारे दिए लगा लिए, अभी जो ऊपर की तरफ जाऊंगी ऊपर भी जो दिए लगा लूंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक है वो दिखा दूंगी। और घर के अंदर भी मैंने दिया बाती कर लिया है और बाहर से मेरे घर का कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। और यहाँ पर हमारी कॉलोनी में सबको इस तरीके से राम भगवान के जो पट्टे हैं वो लगाने हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ये पट्टा लेकर रखा था, यहाँ पर दे गए थे पास वाले, और ये मेरी देवरानी है वो भी रखेगी पट्टा। इसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर की तरफ, वहाँ पर आरती करेंगे, बच्चों का प्रोग्राम था, फिर हमने बहुत सारा गरबा खेला। तो यहाँ पर भी पूरा अच्छी तरीके से डेकोरेट किया, मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। और यहाँ पर बहुत ही सारे फटाके हैं वो फोड़े, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो छोटे छोटे फटाके फोड़ रहे, बाकी बहुत बड़े बड़े भी फोड़े थे जो ऊपर की तरफ जाकर फूटते हैं, वो मैंने शूट नहीं किया था लेकिन बहुत ही फोड़े थे। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने प्रोग्राम भी किया था, राम का गीत था वो अभी जो ट्रेन में चल रहा है तो वही किया था, लेकिन कॉपीराइट आ जाता है इसीलिए मैंने डाला नहीं है। तो बच्चों का प्रोग्राम करने के बाद हमारी कॉलोनी में भी हमने रैली निकाली थी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में।